हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, साइट फॉर मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन इन रूट्स। यहाँ पे मैंने आप लोगों को इससे पहले जो मैंने बताया था वो बताया था कि अधिशोषण या अवशोषण में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन, इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है और एड्सॉर्प्शन क्या है। चलिए तो आगे चलते हैं इस विषय के लेके और हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से मिनरल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं रूट्स के थ्रू। ओवरऑल सबसे पहले बार यूसुफ इटॉल ने 1972 के अंदर बताया था कि भाई जो रूट्स जो होती हैं वो क्या कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं। किसे एब्जॉर्ब कर रही हैं? मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं। मिनरल्स का यहाँ पे न्यूट्रिशन हो, सॉरी मिनरल्स का यहाँ पे अपटेक हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नेक्स्ट चीज के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आती है वो ये आती है कि रूट किस किस जोन में बटी हुई है, रूट्स को हमने कौन कौन से जोन्स के अंदर बांटा हुआ है, किस किस पार्ट में उसको हम डिवाइड करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं, अगर हम लोग रूट को डिवाइड करें, ठीक है, तो रूट के अंदर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनके रूट हेयर्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या होते हैं बेटा, रूट हेयर्स। ये चीज तो खैर आपने मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रूट हेयर होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का और मिनरल का। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो ऊपर वाला भाग होगा, यानी कि ऊपर वाला पार्ट होगा वो मैच्योर पार्ट होगा, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन जोन बोलते हैं। इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन जोन बोलते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर्स बनाई हुई हैं, थोड़ा सा इसको और प्रोमिनेंट बना देते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। तो इस तरह के जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रूट हेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, रूट्स हेयर बोलते हैं। अब जो ये रूट हेयर्स जो होते हैं, रूट हेयर्स का काम क्या होता है, रूट हेयर्स का काम होता है एब्जॉर्प्शन करने का। रूट हेयर्स ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि एक जो लंबा सा जोन हमको दिखाई देता है, ये वाला जोन, इसको हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन जोन। ठीक है, ये वाला जोन जो हमें दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा जोन जो हमें दिखाई दे रहा है, ये रीजन कहलाता है, इलोंगेशन जोन कहलाता है। और यहाँ पे बिल्कुल टिप के ऊपर यहाँ पे एक विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं और यहाँ पे भी एक विशेष तरह का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, रूट को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि रूट की क्या कर रही है, ये प्रोटेक्शन कर रही है। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को, जो ये प्रोटेक्शन वाली चीज है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, रूट कैप बोल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि एक जोन जो होता है जो बहुत ही जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो ये वाला रीजन जो है मेरिस्टमैटिक सेल्स का रीजन है। ठीक है, मेरिस्टमैटिक सेल्स का रीजन है और मेरिस्टमैटिक सेल्स जो होती है वो कंटिन्यूएशन में क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। और इसी में ही एक जोन ऐसा होता है जो जोन कैसा होता है, शांत, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूसेंट जोन बोलते हैं। जो जोन कैसा रहता है, शांत रहता है, जहां पे किसी भी तरह की कोई गतिविधियां नहीं पाई जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक साइंटिस्ट थे जिनको हम बोलते हैं नाई एंड टिंकर। ठीक है, नाई एंड टिंकर ने, टिंकर ने 1977 के अंदर, यानी कि 1977 के अंदर उन्होंने ये बताया कि किस तरह से इनकी जोन डिवाइडेड है और किस तरह से जो रूट्स होती हैं, यानी कि जो मूल होती है, किस तरह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर रही है। तो इसको एक बार लिख लीजिए, ओके, सो आपने यहाँ पे इसको लिखा होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, तो अब एक इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली जो है वो ये है कि रूट हेयर सबका एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ आप लोगों से कि क्या रूट हेयर्स जो हैं क्या वो पानी के साथ साथ मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन करेंगे, क्या बहुत सारे खनिज तत्व यहाँ से आएंगे, तो द आंसर इज बिग नो। मतलब क्या हुआ इस चीज का कि जो रूट हेयर का मेन काम जो होगा, यानी कि रूट हेयर्स का जो मेन फंक्शन होगा, वो मेन फंक्शन क्या होगा बेटा, वो मेन फंक्शन होगा वाटर को एब्जॉर्ब करने का, ठीक है, यानी कि जल के अवशोषण का। अब यहाँ पे जो इसका टिप वाला पार्ट जो होता है, यानी कि जो रूट अपेक्स वाला पार्ट होता है, तो कुछ मिनरल्स तो यहाँ से आते हैं, यहाँ से क्या आ रहे हैं, मिनरल्स आ रहे हैं, और जो इनकी जो ये एपिडर्मिस वाला रीजन है, कौन सा रीजन है, एपिडर्मिस, ठीक है, तो जो ये एपिडर्मिस वाला रीजन होता है, इसी एपिडर्मल रीजन से बहुत सारे यहाँ पे क्या आते हैं, मिनरल्स का इनटेक होता है। किसका इनटेक होता है बेटा, मिनरल्स का यहाँ पे इनटेक होता है, कौन से पार्ट से होता है, एपिडर्मिस वाले पार्ट से होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं। चलिए तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो कुछ आयन्स हैं, जैसे कि आपका पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, या फिर अगर हम लोग बात करें कि अमोनियम हो गया, या फिर अगर हम लोग बात करें कि फॉस्फेट हो गया, तो ये वाले आयन्स जो होते हैं ये जो रूट की जो सरफेस होती है, यानी कि जो आपकी रूट सरफेस जो है, यानी कि जो आपका रूट का जो बाहरी इलाका होता है, यानी कि एपिडर्मिस वाला जो रीजन होता है, वहां से ये रूट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि सोडियम और पोटेशियम के बारे में या अमोनिया के बारे में, तो इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है रूट अपेक्स से होता है। तो इन बातों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें यहाँ पे रूट के एब्जॉर्प्शन के अंदर ही, तो सबसे इंपॉर्टेंट आती है सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल के स्ट्रक्चर यानी कि कोशिका की संरचना आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है, ये तो आप लोग जानते ही हैं कोशिका की संरचना। तो सबसे बाहर वाली जो कोशिका की संरचना होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल बोलते हैं। अंदर एक इस तरह की झिल्ली होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, और अंदर की तरफ यहां पे क्या होती हैं, रस धानियां। मैं पूरी सेल के स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूं आपको, सिर्फ एक चीज बता रही हूं जिसको हमने क्या बोला, वैक्यूल्स बोला। अब मेरी बात समझिएगा इसको, तो जो सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल से इजीली क्या हो रहा है, और इजीली यहाँ पे क्या हो रही है, गति हो रही है। सेल वॉल आसानी से यहाँ पे सब चीजों को आने देती है, सब चीजों के लिए परमिएबल होती है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की किसी भी सॉल्ट या आयन के अंदर आने में ये कभी भी एक हिंड्रेंस यानी कि बाधा उत्पन्न नहीं करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो ये कोशिका झिल्ली होती है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेमी परमिएबल यानी कि अर्ध पारगम्य होती है। ठीक है, अर्ध पारगम्य का मतलब क्या हुआ, अर्ध पारगम्य का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि कुछ ही सेलेक्टिव चीजों को ये कोशिका के अंदर आने देती है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली जो होती है, कुछ ही सेलेक्टिव चीजों को आने देती है, और जो चीजें अंदर आ जाती हैं, अगर वो एक्सेस के अंदर है, तो उनको क्या कर लिया जाता है, उनको आगे जाके स्टोर कर लिया जाता है। इतनी बात आप लोगों को होपफुली समझ में आई होगी। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इसके अंदर प्रोटीन की लिपिड और प्रोटीन की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, यानी कि लिपिड होता है और प्रोटीन होता है, जहां पे विभिन्न तरह के यहाँ पे क्या होते हैं,
चैनल्स होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे करियर प्रोटीन्स होते हैं जो क्या काम कर रहे हैं कोशिका के अंदर। अगर हम लोग नॉर्मल सी बात कहूँ कि कोशिका के अंदर किसी भी चीज को लाने ले जाने के लिए विशेष तरह के यहाँ पे जो ये प्रोटीन प्रेजेंट है, इन्हीं को हम लोगों ने क्या बोला, करियर प्रोटीन्स बोला, जो क्या काम कर रहे हैं कि जो इजीली कोशिका के अंदर चीजों को लेके आ रहे हैं। एक बार इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो इसको बताने से पहले, जो करियर प्रोटीन्स है इनको बताने से पहले एक छोटा सा हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इजी रहे चीजों को और समझने के लिए। ठीक है, रिवीजन कर ले हल्का सा। चलिए, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल जो एक कंसेप्ट था सेल मेम्ब्रेन के लिए वो कौन सा था, तो आप लोग क्या बताओगे? वो कंसेप्ट था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उस मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या चीज कही गई थी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से लिपिड प्रेजेंट होते हैं। लिपिड की यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, बाइलेयर प्रेजेंट है। एक लेयर तो ये हो गई और एक लेयर ये हो गई। ठीक है, क्या हो गई, ये लिपिड की बाइलेयर हो गई। अच्छा, बाइलेयर, अब लिपिड जो है अगर हम लोग बात करें इसका, इस तरह से रीजन है ये, तो इसमें से जो ये ऊपर वाला रीजन होता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, जल स्नेही। ठीक है, और ये रीजन जो होता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी कि जल प्रतिकर्षी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो रीजन हो गए पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि इधर की तरफ में कुछ एक प्रोटीन्स होते हैं जो इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक मजबूती प्रदान करते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रोटीन्स, जो पूरी ये कोशिका के अंदर क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, मजबूती प्रोवाइड करा रहे हैं कोशिका झिल्ली के अंदर। एक प्रोटीन्स और होते हैं जो इनके सरफेस के ऊपर नीचे आसानी से मूव कर सकते हैं, ये जो हो गए इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन्स। ठीक है, ये वाले प्रोटीन्स जो हो गए इनको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो बेटा एक्सटर्नल प्रोटीन्स जो होते हैं इनका बेसिक काम क्या है, यानी कि इनका एक मेन काम क्या होता है, ये कोशिका से बाहर से अंदर की ओर मिनरल्स का या फिर किसी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज का बाहर से अंदर की ओर क्या कर रहे हैं, अपटेक कर रहे हैं, अंदर लेकर आ रहे हैं। तो इन्हीं प्रोटीन्स को हम एक नाम और भी देते हैं, इनको हम हिंदी में लिख देती हूँ, इनको हम करियर प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करियर प्रोटीन, जो मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर की ओर लेके आते हैं। अब इस करियर प्रोटीन के बारे में बहुत सारी यहाँ पे अवधारणाएं हैं कि किस तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर से अंदर की ओर आते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चलो एक बार इसको आप लोग लिख लीजिए, हाँ, फिर हम आगे बताते हैं कि किस तरह से डिफ्यूजन होता है, किस तरह से चीजें अंदर आती हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से चीजें अंदर आती हैं, तो फर्स्ट तो हो गया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी कि आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, विसरण। फिर एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे कल। आज का वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कल हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से कोशिका झिल्ली के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर आते हैं और किस तरह से आगे ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस तरह से एक्टिव होता है, किस तरह से डिफ्यूजन होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को पूरा देखा करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो much